स्वागत, वेलकम टू माय चैनल शिकारी के मासूम फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे इवेंट्स आने वाले हैं और जो बंडल्स निकल के आ रहे हैं हमारे और कुछ चीज़ें निकल के आए, मतलब बहुत से इवेंट्स और अपडेट्स निकल के आए हैं, तो चलिए इन पर बात करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर से देखना है, और बहुत सारे अपडेट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें, आखिरी में कुछ सरप्राइज भी है, तो प्लीज़ फर्स्ट से लेकर एंड तक जरूर से ज़रूर वॉच करना इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, समय पहले जो हमारा अपडेट निकल के आ रही है वो ये है, जो ये नकाब होते हैं इस टाइप का जो रेगिस्तान के आसपास पहनते हैं, तो ये नकाब आने वाला है और ये बहुत अच्छा है, और ये मेल और फीमेल में दोनों में पहन सकते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे एक मार्क्स नहीं है, बहुत सारे मार्क्स हैं और आपको एक एक करके दिखाएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और यार देखिए किस अच्छे है पूरी वीडियो क्लिप। दोस्तों पूरी वीडियो क्लिप देख लीजिए, और एक मार्क्स नहीं है, बहुत सारे मार्क्स हैं, तो आपको एक एक करके दिखाएंगे, और आप कमेंट करके बताना ये मार्क्स खरीदोगे नहीं खरीदोगे, मैं जरूर खरीदूंगा। सो गाइस हम चलते हैं एक और अपडेट की ओर, जो हमारा अपडेट निकल के आ रही है, जो बहुत सारे मार्क्स निकल के आ रहे हैं वो ये हैं यार, और ये दोनों मेल में भी पहन सकते हैं, फीमेल में भी पहन सकते हैं, ठीक है। तो ये मेल मेल के दिखा, अभी तो फीमेल पे दिखाना, तो उसके लिए माफ़ करना, वीडियो के लिए भी यही मिली थी। तो अब मैं कॉम्बिनेशन बताऊँगा, रेड और येलो की कॉम्बिनेशन में एक मार्क्स हो गया, एक ग्रीन और स्माइल की कॉम्बिनेशन में एक मार्क्स हो गया, और इस ये जोकर टाइप जैसा, और ठीक है ये मार्क्स हो गए, इसके दांत वाँत निकल रहे हैं यहाँ से, तो और एक ये मार्क्स हो गए रेड और वाइट की कॉम्बिनेशन के अंदर, और ये बहुत अच्छे मार्क्स होने वाले हैं फ्री फायर में, ऐसे बहुत सारे एक साथ मार्क्स आ रहे हैं, और ये मेल भी पहन सकते हैं, फीमेल पहन सकते हैं, तो आपको फीमेल के दिखा रहा हूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और ये देखिए, और ये देखिए मेल भी आ चुके हैं हमारे। और दोस्तों यही छोटी सी इसकी वीडियो क्लिप थी, और भी आपको अपडेट दिखाता हूँ, तो चलिए आप वीडियो में बने रहिए आप, तो यहाँ पर देखते बस यही है हमारे कुछ मार्क्स। अब चलते हैं यहाँ पर, जो हमारी ड्रेस निकल के आ रही है वो इवेंट के थ्रू भी आ सकती है, या मंडोरी के थ्रू भी आ सकती है, या फिर कुछ और चीज़ के थ्रू भी आ सकती है, तो चलिए देखते हैं। सो गाइस ये है हमारा बंडल, और यार इस बंडल के बारे में तो कुछ बोलने के शब्द नहीं है, बहुत ख़तरनाक बंडल होने वाला है, बहुत बहुत ज़्यादा, ये डायमंड रोली भी आ गया कति जहर, मतलब कुछ भी शब्द नहीं है इस बंडल के लिए। बस यार इसका कैप जो है वो बेकार कर दो, जैकेट के लिए तो भाई कुछ शब्द ही नहीं है, बस क्या कहूँ भाई मुझे बस। तो यार बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बताइए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और यार देखिए कितना अच्छा है ये, कमेंट करके बताना आप जरूर से खरीदोगे या नहीं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला के लिए, तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताना, और बताने किस तरह का ये लगाया आपको बंडल। तो चले यार एक और बंडल की ओर चलते हैं। सो गाइस ये है हमारा बंडल, और ये ब्लैक और ब्लू की कॉम्बिनेशन है, ब्लू या ग्रीन की कॉम्बिनेशन में, यार बंडल तो सही है, सही कह सकते हैं, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, उस बंडल के मुकाबले में तो बेकार है, तो यार अच्छा है सही है, जिस बंदे को खोलना खोल लीजिए, और थोड़ा सा भारी टाइप का है, मतलब कहते हैं ना भारी, बहुत से बंदे कहते हैं भारी हो गया टाइप का, ये पागलपना होता है। तो भाई ज़रूर ये हमारे वीडियो क्लिप पे, अब चलते हैं यार एक और अपडेट की ओर, जो हमारे कपल बंडल निकल के आ रहे हैं, अब पता नहीं डायमंड रोल पे आएगा या फिर किसी इवेंट के थ्रू ज़रूर आ सकते हैं यार, क्योंकि मुझे से पहले मैंने एक वीडियो डाली थी अपडेट के ऊपर, तो मैंने बहुत ज़्यादा ही देखे थे बनी की चीज़ें आनी है, बनी का बैग, बनी का लूट बॉक्स, इतनी चीज़ें बनी की आ रही थी, तो यार अब यहाँ पे कपल बंडल भी निकल गया, तो चलिए उसको देखते हैं। सो गाइस ये आ चुका है हमारा बंडल, और ये बंडल भी कति जहर होने वाला है यार, ये फीमेल के लिए बहुत कति जहर होने वाला है यार, इसकी मतलब आनी के अंडर तो देखिए, मतलब अच्छा बंडल है इसका, बनी का मतलब मेल वाला तो उससे भी ज़्यादा हो पी है, तो बहुत ही कति जहर बंडल होने वाला है, बहुत ही अच्छे बंडल होने वाले हैं, तो कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताना कि आपको ये बंडल कैसे लग रहे हैं, और यार पक्का पता नहीं इवेंट के थ्रू आएंगे, लेकिन यार ये बनी है तो बनी के थ्रू आएंगे। इसके शूज़ देखिए कितने ग्लो कर रहे हैं, इसकी जैकेट देखिए, हेयर देखिए बहुत ज़्यादा ही ग्लो कर रहा है। तो अब चलते हैं यार अपने फीमेल ड्रेस की ओर, सॉरी दोस्तों फीमेल तो कह दिया, मेल की ड्रेस की ओर चलते हैं। गाइस हमारी मेल की ड्रेस है, और ये देखिए किस तरह से आ रही है फ्रूट की वो बास्केट लेके, और ये क्या हुआ भाई, ये पता हमारा, और ये दोस्तों ये है हमारा बंडल, उसके शूज़ देखिए, ऊपर की वो हेयर देखिए, कान अजीब से लग रहे हैं, लेकिन यार इसकी जैकेट जो है वो बहुत अच्छी लग रही है, कमेंट करके बताना आपको इसमें कौन सी चीज़ अच्छी लगी, और यार हर चीज़ अच्छी है, इसकी चश्मा भी अच्छा है, लेकिन ये हेयर अजीब से देखिए,
ठीक है। और वैसे बंडल तो अच्छे लग रहे हैं, अब चलते हैं और बंडल्स की ओर या फिर कुछ इवेंट्स की ओर, तो चलिए देखते हैं। गाइस यहाँ पर ये निकल के आ रही है हमारी एरोप्लेन की स्किन, जो अपडेट के बाद ये आ जाएगी। और ये भी स्किन अच्छी लग रही है एरोप्लेन की, ये परमानेंट स्किन दे दीजिए, जैसे होती है परमानेंट स्किन दे दे तो फ्री फायर सही भी लगेगा। ये रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के अंदर है और एलाइट पास की थोड़ी सी टेक्सचर मतलब कलर मिल गया, तो कमेंट करके बताना आपको किस तरह का लगा। और ये इसकी कुछ फोटोज है, ठीक है, और चलते हैं और चीज़ों की। और ये हमारा ड्रॉप की स्किन निकल के आ रही है, ये भी ब्लैक और रेड की कॉम्बिनेशन के अंदर, बीच में लिखा हुआ है कुछ चैम्पियनशिप या फिर कुछ और लिखा हुआ है। तो ये है हमारी ड्रॉप की स्किन। अब चलते हैं और चीज़ जो निकल के आ रही हैं उनकी ओर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा अपडेट निकल के आ रही है जो इंक्यूबेटर के जो बंडल्स हैं वो है, और ये हमारा फर्स्ट वाला पर्पल है, नहीं मतलब फर्स्ट और सेकंड का देख लीजिए आप कौन से। ये हमारा पर्पल बंडल है और ये फीमेल का बंडल है, फीमेल का बहुत ही अच्छा बंडल होने वाला है क्योंकि इसके हेयर बहुत अच्छे हैं। और यही पूरा यही बंडल है, और मेल का तो बहुत ही बेकार दिया है, अजीब सा खोपड़ी टाइप का। फिर भी ये देख लीजिए सेकंड नंबर का लग रही है मुझे, गोल्डन शेड और गोल्डन ब्लू की कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा लग रही है ये। ये भी गोल्डन और ब्लू की कॉम्बिनेशन में ये ज़्यादा खास नहीं लग रही है, बहुत ही बेकार से लग रही है इसका मुखड़ा, तो बस इसकी शर्ट सही से लग रही है पैंट, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके एक और बंडल जो यार ये है फर्स्ट वाला हमारा, और इसके देखिए बालों में आग निकल रही है, और ये रेड ऑरेंज के कॉम्बिनेशन के अंदर है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से मैंने बताया बाल इसके अच्छे हैं, इस बंडल के अंदर सिर्फ इसके बाल अच्छे हैं और जैकेट भी अच्छी है, लेकिन जो मुंह जो उसका फेस रखा वो बहुत बेकार लग रहा है, ठीक है, आप कमेंट करके बता रहे हैं। और ये इसका ब्लू प्रिंट है, ठीक है, और यही बंडल है। अब चलते हैं एक और चीज़ की ओर। दोस्तों जो हमारा अपडेट निकल के आ रही है जो ये गोल्ड रॉयल के अंदर ये वाला बंडल फिट होने आने वाला है, और ये बहुत अच्छा बंडल है, और इसके टैटू वटू हाथ बने हैं, बहुत अच्छा बंडल होने वाला है इसका। एक फीमेल का भी बंडल वो भी दिखाऊंगा, आप कमेंट करके बताने का किस तरह का बंडल होने वाला है अगर ये आ गया तू। तो चलता है फीमेल के बंडल वो फ्री में मिलेगा, वो कामिला का FF टोकन में मिलेगा, तो चलते हैं उसको भी फोटो दिखाता हूँ। सो गाइस ये वाला बंडल होने वाला है FF टोकन में से, यहाँ पे से मिलेगा ये हमें फ्री के अंदर बंडल। बंडल तो अच्छा है लेकिन वो अजीब सा एक आया था वो वाला बंडल, जिसके यहाँ पे स्काफ था और खोपड़ी उगली हुई थी, मतलब गंजी थी इधर उधर से, बहुत अच्छा करता उसका मेरा कद्दू करता, मतलब ये वाला आने वाला है, बताइए सही है अच्छा है। वैसे फ्री के लिए तो अच्छा है वैसे, और गोल्ड रोल भी अच्छा खासा दे रखा है इस बारी फिर फायर में। चलिए यार एक और अपडेट की ओर चलते हैं हम। गाइस यहाँ पर से हमें अब तो थोड़े से एक आध अपडेट बचा तो उसको बताऊंगा यार। अब इवेंट के बारे में आए तो यार ये इवेंट चालू होने वाला है 1 तारीख से, एक पैराशूट मिलेगा और एक ये कुत्ते का मास्क, ठीक है, और ये बंड 1 तारीख से चालू होगा 12 तारीख तक, इसमें चीज़ें मिलेंगी। और ये इवेंट किस तरह का होगा मैं आपको वो दिखा देता हूँ। दोस्तों जिस तरह से आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ये ऐसा इवेंट होगा कुछ, मतलब किल विल करने होंगे या फिर किलोमीटर तक चलना होगा, तो ये आपको परमानेंट मिल जाएगा या फिर लॉगिन करने का आएगा, तो ठीक है। चल यार एक और इवेंट की ओर चलते हैं, जो हमारा इवेंट निकल के आ रहा है गाइस यहाँ पर एक इवेंट निकल के आ रही है, पता नहीं आएगा भी या नहीं, ये लीक है। और यार ये स्पिन करनी होगी, स्पिन करने के बाद जिस पे ये चक्रा रुकेगा मतलब एक चीज़ रुकेगी तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। 40 डायमंड तक की स्पिन दिखा रखी है हमारे समय में, पता नहीं कितने डायमंड की स्पिन है। और ये जो सारे रिवॉर्ड दिखा रहे हैं सारे रिवॉर्ड चेंज होंगे, बंडल्स की पता नहीं, बंडल्स भी चेंज हो सकती है क्योंकि मिस्ट्री शॉप में भी बंडल चेंज हो गया था। और चलते यार एक और इवेंट की ओर। सो गाइस यहाँ पर जो हमारा इवेंट निकल के आ रही है ये जैकपॉट इवेंट आ रही है, 10 डायमंड की स्पिन होती है और आपको 10,000 डायमंड तक का मिल सकते हैं स्पिन के अंदर से। यार ये तो पागलपन है, ठीक है। और ये पर जो स्पिन दिखा रखे हैं ये बैकपैक मिलेगा, ये भी थोड़े से रिवॉर्ड के लिए रिवॉर्ड चेंज होंगे, और ये मैजिक क्यूब भी नहीं देंगे, ठीक है, और कुछ क्रेट्स वगैरह दे देंगे या फिर फ्रेगमेंट्स भी दे सकते हैं, तो ठीक है। तो ये हमारा एक इवेंट हो गया, तो चलते हैं यार एक और इवेंट की ओर। दोस्तों आज की जो वीडियो का लास्ट इवेंट है ये है कि जो ये वाला इवेंट आया जिसमें 2 चीज़ें हटानी होती है और जो बंडल्स जो स्पिन करनी होती है जैसे हैकर शॉप की तरह, उसमें हमें बंडल मिल जाता है। अब यार पक्का पता नहीं है ये बंडल, दोस्तों ये जो बंडल है बिल्कुल भी आने वाला मुझे पता है, और जब आएगा तो पता लग जाएगा। और चलते हैं यार मेन और सरप्राइज की ओर। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कुछ सरप्राइज है, तो सरप्राइज ये है दोस्तों, सरप्राइज होने वाले जो हमारी M187 की जो स्किन है वो उसकी जो एबिलिटी है वो पता लग चुकी है। लेकिन यार दोस्तों मैंने आखिरी में इसलिए बताइए ताकि जो बंदे होते हैं शुरू में वीडियो देख के चले आते हैं, और जो जिन्होंने लास्ट तक वीडियो देखी है उनके लिए ये बात पता लग चुकी है। तो अब चलते हैं यार दिखा देते हैं, तो हमारा जो निकल के आ रही है, इस बात करें जाए इसकी एबिलिटी की, तो एबिलिटी निकल के आ रही है सिंगल डैमेज
रेंज माइनस कर दी गई है इसकी, और जो रेट ऑफ फायर है वो प्लस कर दिया, और जो एक्यूरेसी है वो डबल कर दिया। यार एक्यूरेसी डबल करने का फ़ायदा ही बहुत अच्छा है यार, इसकी एक्यूरेसी वैसे ज़्यादा नहीं थी लेकिन डैमेज बहुत अच्छा था यार। इस गन की एक्यूरेसी बिल्कुल बेकार थी और जो डैमेज था वो बहुत ज़्यादा था। तो चलिए शुक्र है यार, ये आ चुकी है मेरी फेवरेट गन की स्किन, तो मैं इसको तो ज़रूर से ज़रूर खोलूँगा। कमेंट करके बतानी आप खोलोगे या नहीं खोलोगे। तो मैं आज जो हमारी अपडेट्स हैं वो ख़त्म हो चुके, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।